आज हम बात करने जा रहे हैं लव, सेल्फ लव। क्या आप अपने आप को प्यार करते हैं? और ऐसा आदमी जो अपने आप से प्यार नहीं करता, वो किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता। ये भी एक फैक्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जीडी भार्गव और मैं प्रेजेंट करता हूं मेरे चैनल को और ब्रेन आवर लाइफ। आज हम बात करने जा रहे हैं लव, सेल्फ लव। क्या आप अपने आप को प्यार करते हैं? प्यार एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही आंखों में, बॉडी में रोमांच ही रोमांच आ जाता है। प्यार कोई भी हो सकता है, पेरेंटल भी हो सकता है, फ्रेंड्स में भी हो सकता है, मैरिज का भी प्यार हो सकता है, कोई भी प्यार हो सकता है, लेकिन रोमांच जरूर आएगा, इमोशन जाग जाएंगे। पर मेरा सवाल है कि क्या आप अपने आप से प्यार करते हैं? अगर आपको ये जानना है आप अपने आप से प्यार करते हैं, तो इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। और मैं आपको रिक्वेस्ट कराऊंगा, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर लें। साइकोलॉजिकल वेलनेस एंड काउंसलिंग रिलेटेड बहुत सारी आपसे नॉलेज हम शेयर करते रहेंगे। तो चलते हैं, क्या हम सेल्फ लव करते हैं? तो मैं आज 5 पॉइंट बताने जा रहा हूं। ये 5 पॉइंट क्लियर कर देंगे कि आप अपने आप को प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। ये पॉइंट बताऊं से पहले मैं आपको बताता हूं कि माइंड कभी कभी 90% केसेस में अगर आप माइंड से मैनिपुलेट करते हो तो वो चीजों को यूं की लेता है, मतलब उनको सच मान लेता है और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसी सिद्धांत पे सेल्फ लव का सिद्धांत बना हुआ। बहुत ही रेयर केस है 10% जो माइंड समझ पाता है कि ये आप आर्टिफिशियल करना चाह रहे हैं। तो हम सबसे पहले 5 पॉइंट्स में से पहला पॉइंट लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? मास्किंग। क्या आप मास्किंग करते हो? मास्किंग कोई भी हो सकती है। आप स्कूल से आ रहे हो, उसके बाद ट्यूशन जा रहे हो, मगर मैं बच्चे की बात करूं, किसी ने आप घर में डालते हुए आ रहे हो, अपने घर की तरफ पहुंच रहे हो, रास्ते में किसी ने बोला, हाँ भाई स्कूल से इतना लेट क्यों आया? तो वन वे ऑप्शन इज दैट आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उसे बताओ ट्यूशन गया था, वहां से लेट हो गया। आप बता रहे हो आज तो प्रिंसिपल ने बुलाया था, स्पेशल काम दिया था, वो मुझे ही दिया था। दिस इज मास्किंग। अपने आपको प्यार नहीं करते, माइंड को मैनिपुलेट कर रहे हो। जब माइंड आपसे मैनिपुलेट करेगा तो आपको ट्रबल में डालते। दूसरा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, मिल रहे हैं, आप जबरदस्ती उसको शोशा दिखा रहे हो। अरे मैं तो करोड़पति बाप की बात हूं, अपने फ्रेंड से मांग की गाड़ियां लेके जा रहे हो, महंगी से महंगी ब्रांड्स की वॉचेस एंड एवरीथिंग आप शो कर रहे हो, जबकि एक्चुअल में वैसा नहीं है। आप मास्किंग क्रिएट कर रहे हो, आप अपने आप से प्यार नहीं करते। ये इम्पैक्ट क्यों कह रहा हूं आप अपने आप से प्यार नहीं करते, क्योंकि एक टाइम के बाद माइंड आपको मैनिपुलेट करेगा जैसे आप मैनिपुलेट कर रहे हो। जब माइंड आपको मैनिपुलेट करेगा तो पेन बढ़ जाएगा। तो अगर आप सेल्फ लव करते हैं तो मास्किंग आज से बंद कर दीजिए, मैनिपुलेट मत करिए, ठीक है? दूसरी जगह चलते हैं, मिमिक पर्सन। अगर आप मिमिक पर्सन हैं तो भी आप अपने आप से प्यार नहीं करते। मिमिक मतलब कोई आदमी बोल रहा है, आपको सुनने में कोई मजा नहीं है उसकी बातें, आप देख रहे हो इसका चेहरा कैसा है, ये सीरियस क्यों है, ये हंस क्यों रहा है, इसके तो माथे पे 3 लकीरें क्यों है, बॉडी लैंग्वेज को चेक करने की कोशिश कर रहे हो। अगर वो कोई अच्छी चीज दे रहा है वो आप मिस करते जा रहे हो, और उसके जाने के बाद तो आप माशाल्लाह क्या क्या बोल रहे हो। तो आप जब मिमिक कर रहे हो तो कंफ्यूजन स्टेट अपने माइंड के लिए बढ़ा रहे हो। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आज से बंद कर दीजिए, क्योंकि आप तो सेल्फ लव करने वाले हैं, अपने आप से प्यार करने वाले, तो आज से बंद कर दीजिए। जो आपको जैसा दिखता है ऐसा बताइए। अगर मान लो किसी के आपको चेहरा बनाना पसंद नहीं है तो उसे एक बार बोलिए, बस भाई ये है ना, क्यों करता है ऐसा, नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं लगता, बात खत्म। उसके बाद उसकी जिम्मेवारी है वो करे ना करे, लेकिन अगर वो रिपीट हो रहा है तो आप उसको अवॉइड करें।
तो ये सेल्फ लव का दूसरा है। तीसरे पे आते हैं, यू सेट फॉर लेस। आप पहले ही अपने टारगेट्स, अपने गोल्स, अपनी सब कुछ चीजें ही लेस सेट कर लेते हो और उसमें नुकसान भी करते हो। मान लो बच्चे हो, आपने किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं मेडिकल साइंस के लिए पढ़ाते हैं, डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए, ये आगे एमएससी करने के लिए, बीटेक करने, एमटेक करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं। और सडनली आपने कहा नहीं नहीं यार, मेरा तो आईआईटी में तो एडमिशन हो ही नहीं सकता, नीट भले मैं मेरिट में आऊंगा नहीं, छोड़ना मैं जाता नहीं, और आप पेमेंट दे चुके अपने लिए गोल अपने आप ही कम कर रहे हो। और बाद में कहीं ऐसे कॉलेज में हो गया कि आपके अगर एक नंबर ज्यादा आता, सिर्फ एक नंबर टेस्ट में, तो आप नीट में चले जाते, एक नंबर ज्यादा आता आप आईआईटी में चले जाते, तो लाइफ लॉन्ग आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने आप से। तो आपको हमेशा ही अपने लिए ये गोल्स से नहीं रखने चाहिए, ऐसे गोल रखने चाहिए जो आपको लगे नॉर्मलाइज अचीवेबल है। दुनिया करती है मैं भी दूंगा, नहीं होगा तो देखेंगे। आप मैरिज करने जा रहे हो, मेरे को अच्छी लड़की मिल ही नहीं सकती, मैं बता रहा हूं भाई, जब आप चाह रहे हो तो क्यों मिलेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी शुरू हो जाता है इसमें, सर्कलों में। इसके लिए भी अगर आप कहेंगे मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और आपको फिर अच्छी क्यों मिलेगी, आपको तो आफत मिलेगी जो रोज बम पड़ेगी आपके सर पे। तो आप सेल्फ लव करते हैं तो आज से गोल जो है लेस वाले कर दीजिए, और अपना आज से एक नियम बनाइए, ऑलवेज कमिट लेस एंड अचीव मोर, मेरे को ज्यादा करना है। चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे, वेरी हार्श ऑन सेल्फ। गलतियां सबसे होती हैं इस दुनिया में, ऐसा कौन है जिससे गलतियां नहीं होती, वो अचीव भी करते हैं हम बहुत सारी चीजें लाइफ में, और हम फेल भी होते हैं, जिसको हम फेलियर नहीं बोलना चाहिए हमें, वो हमारे लिए एक लर्निंग्स है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने पे हार्श हो जाते, मैं हूं ही ऐसा है, मेरी किस्मत ऊपर वाले ने एक ऐसे पेन से लिखी है जिसकी शाही थी ही नहीं, शब्द पूरे नहीं लिख पाया ऊपर वाला, मतलब ऊपर वाले के पास भी शाही की कमी है, वो भी कहीं ऐसी गवर्नमेंट है, पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह जिसके पास पैसे नहीं है। ऐसा मत सोचिए, इतने ज्यादा हार्श हो जाएंगे तो नेगेटिव इमोशंस में चले जाएंगे, अपने चारों तरफ आप नेगेटिविटी क्रिएट कर देंगे। तो अगर आप अपने से प्यार करते हैं तो आज से आप सेल्फ हार्श छोड़ दीजिए। लास्ट पॉइंट है एक्सेसिव अफर्मेशन एंड अटेंशन। हमें बहुत ज्यादा इमोशनल जब तक ना बोला जाए हम कोई काम ही नहीं करेंगे। बेटा खाना खा, अरे तू तो मेरा राजा बेटा है, खाना खा ले, अरे काम भी होता है, अच्छा मैं खिला देती हूँ, माँ और ज्यादा बीच में घुसती हैं, इमोशन होते हैं ना, और आपको आदत हो गई, और उसके बाद आपको पटक दिया गया हॉस्टल में, कहाँ फंस गया, चार दिन बाद बैग उठा के बाहर वापस, घर के परेशान, पढ़ता नहीं, हॉस्टल नहीं रहेगा, बड़ी क्लास में आ गया है। तो ऐसा इमोशनल नहीं होना चाहिए अगर आप अपने आप को प्यार करते हैं। दूसरा टेंशन, हमें हर काम में टेंशन चाहिए। देखो आज मैंने ना आधा घंटा पढ़ाई कर ली, मोबाइल को हाथ नहीं लगाया, 10 लोग जब तक मुझे प्रेज नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। भाई मजा मत लीजिए, मजा लेते हुए पप्पू कहां पहुंच गया आपको मालूम, मजा मत लीजिए, समझिए कि ये टेंशन बार बार नहीं चाहिए। आप अच्छा करेंगे तो लोग अपने आप आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तो आज से इसको बंद कर दीजिए, अपना काम करिए, घबराइए मत, अपना काम फोकस से करिए, अपने आप रिजल्ट बेटर होंगे। तो अगर ये पांच पॉइंट में कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको है आपकी लाइफ में तो आज से उसे रिमूव कर दीजिए, क्योंकि डेफिनेटली आई बिलीव आप लोग सेल्फ लव करते हैं। हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो किसी और से क्या प्यार करेंगे, और ऐसा आदमी जो अपने आप से प्यार नहीं करता वो किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता, ये भी एक फैक्ट है।
तो ये वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इस बारे में कोई क्वेरी हो, क्वेश्चंस हो, बिल्कुल पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।